काफ़ी देर घिसने के बाद इसमें जो कार्बन है वो पेस्ट जैसा बन जाता है। और ये देखिए, ये थोड़ा देर छोड़ने के बाद मैंने क्लीन किया है, तो पूरा कार्बन इसका साफ़ हो गया है और किनारे की भी जो डर्ट और डस्ट ग्राइम था वो साफ़ हो गया है। अब इसे हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप, ये केरोसिन से और एक क्लीन क्लॉथ से मैं इसको पोंछ रहा हूँ। काफ़ी क्लीन हो गया है ये। इस पर शायद पहले किसी ने सिल्वर पेंट किया था। ये थोड़ा सा पेस्ट, टूथपेस्ट और लगाया है मैंने। से अब हम केरोसिन से क्लीन करते हैं। ये देखिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और घर पे यदि मैं क्लीन करना हो तो ये इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, टूथपेस्ट है और टूथब्रश है, केरोसिन है, और इसमें थोड़ा सा यूटेंसिल्स क्लीनिंग सॉल्यूशन जो आता है आपके बर्तन धोने का लिक्विड क्लीनर, वो ऐड किया है। और ये काफ़ी सफाई दे देता है। तो ये दोनों हेड्स काफ़ी क्लीन हो गए हैं और आई थिंक इन्हें फिट किया जा सकता है। तो ट्राई करिए एट होम। थैंक यू।